सो हे गाइस, वेलकम बैक विद अ न्यू वीडियो। दिस इज मोनोबॉस एंड यू वाचिंग एमबी व्लॉग्स। होंगे डेली हट गया और अभी एमबी व्लॉग है, क्योंकि डेली व्लॉग अपन कर नहीं पा रहे और काफ़ी टाइम बाद अपना वीडियो अभी वापस आया है। तो एग्जाम का प्रिपरेशन चल रही थी एग्जाम की, सो इस वजह से अभी व्लॉग आ नहीं पा रहे हैं। इंटर्नशिप भी चल रही है तो स्कूल में पढ़ाने के लिए जा रहे हैं, बट जैसे ही एग्जाम सब खत्म, जैसे ही फ्री होता हूँ अपन सिर्फ व्लॉग करने वाले हैं। एंड फिर अपन बहुत सारी जगह घूमने भी जाने वाले हैं, ट्रैवल व्लॉग्स भी काफ़ी ज़्यादा आने वाले हैं, तो बने रहना एंड काफ़ी ज़्यादा मज़े करेंगे। आज हम अजमेर में हैं एंड अभी रूम छोड़ के जाने वाले अपन। सो क्योंकि अपनी इंटर्नशिप चल रही है तो इस रिगार्डिंग हमें अभी रूम तो यहाँ से खाली करना पड़ेगा, क्योंकि गांव में रहना ज़रूरी है एंड वहाँ पे अटेंडेंस का थोड़ा सा सीन रहता है, तो इस वजह से वहाँ पे जाना ज़रूरी है। तो इस कारण जब तक इंटर्नशिप पूरी नहीं होती, 4 महीने की इंटर्नशिप है, 1 महीना तो हो चुका है, फिर 3 महीने और बाकी है। एंड अपने थोड़े पेपर भी हैं, कुछ एग्ज़ाम फॉर्म भरे हुए हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ी प्रिपरेशन कर लेते हैं। थोड़ा सा बिजी हूँ एंड आज अजमेर छोड़ के वापस गाँव की तरफ निकल रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे इंटर्नशिप है तो वहीं रहना पड़ेगा अभी, क्योंकि बार बार आने जाने में किराया बहुत लगता है। अजमेर मेन मार्केट में चलेंगे एंड थोड़ा और देखेंगे, एक्सप्लोर करेंगे अजमेर। आज हमारे यहाँ पे रूम पे एक नए मेहमान भी आए हुए थे, जो कि पिछले 1 महीने से ही रह रहे थे, मोहन जी हलवाई। मोहन जी नाम है उनका, मोहन जी हलवाई मजाक में बोलते हैं उनको, तो उनसे मिलवाएंगे आपको एंड काफ़ी सारी मस्ती करते हैं आज। तो कंटिन्यू करते हैं आज का व्लॉग, बने रहना एंड चलो शुरू करते हैं। ये हैं अपने मोहन जी हलवाई, मतलब मोहनलाल जी, जो कि हमारे टेक्नीशियन भी है और यहीं पास में उन्होंने रूम लिया था और आज ये भी खाली करके जाने वाला है। ये रहे अपने रंजीत जी सर, जो कि काफ़ी टाइम बाद ब्लॉग में आ रहे हैं, उन्होंने लगाना फुल। क्या हाल चाल है? बढ़िया बढ़िया। अजमेर बहुत लंबे, चावल मतलब चावल बन रहे हैं आज एंड ये ककड़ी वकड़ी सब बढ़िया। तो ये सब निबेड़ते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। बस गए जी, बर्तन धो लेते हैं, बर्तन धोने के बाद वापस खाना खा के वापस बर्तन धोना है। साले दुख का खत्म नहीं होता भाई, साला ये दुख का खत्म होता बे। गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं पुरानी मंडी, गुरु बाजार भी बोलते इसको। अभी चलते हैं यहाँ से कुछ खरीदना है, तो खरीदते हैं। शोर शराबा काफ़ी ज़्यादा हो रही है। और भाई साहब क्या हाल चाल, मजे भाई साहब को देखते देखते जा रहे हो, क्या कर रही है? सब घूरता हमको जब भी हमको ऐसा ब्लॉग बनाने जाता है, जब पता नहीं क्यों ऐसा क्यों होता है। फोन कुछ खरीद ले, इनमें से कुछ ले लिया तेरे छोर चोरियों के लिए, फोन के छोर चोरियों के लिए तेरा कब ढूंढना इसमें मिल जाए तो। हाँ यहीं से ले लेते हैं, जो भी बुक्स लेनी है तो बुक्स ले लेते हैं। एंड हमको जो भी बुक्स लेनी होती है हम यहीं आते हैं, हर बार यहीं से लेके जाते हैं, तो भी ले लेते हैं इसे। चलो चलते हैं। ले दुकानदार हमको हम छोड़ के चले गए, कह रहे तुम्हें जो चाहिए ले लो आराम से, पेमेंट बाद में करना, कोई दिक्कत नहीं। प्लस इसी ना किताबों को देखते ऐसा लगता था यार, क्या आर्मिन भी देखिए कलर इतना अच्छा है इनका कॉम्बिनेशन। नहीं नहीं इंग्लिश अपने है ही नहीं, तो ऐसा कोई सीन नहीं, अपने हिंदी सेकंड ग्रेड, हिंदी निकालने अपन को भैया हिंदी। सो 4,500 रुपये किताबें हो चुकी हैं यहाँ पे। उससे से बोल रहा हूँ ना कि बुक्स ले 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 पर ले ही नहीं रहा। जैसे मैं सोच रहा हूँ हेलमेट लटकाने का सही तरीका यही है भैया, ऐसे पीछे लटका लो हेलमेट, बात खत्म। ऐसे ब्लैक सीट्स ले रहे हैं हम, ये सीट्स वीट्स ले लेते हैं, उसके बाद देखते हैं अभी क्या करना है। बस भाई बस लास्ट बुक बची हुई है, लास्ट बुक है जो दयाल बुक डिपो से मिल जाए तो अच्छा है, एंड उसके बाद 7,000 का पूरा बजट अपना कम्प्लीट हो जाएगा। तो यहाँ से एक बुक और ले लेते हैं देन खत्म। पूरा बड़ा गोडाउन है यहाँ पे यार, कितनी सारी बुक्स हैं, इतनी बड़ी बुक डिपो देख ली हमने, पर वहाँ पर हमारी बुक नहीं मिली। अब हो सकता है जयपुर जाना पड़े हमको, तो नेक्स्ट जयपुर चलेंगे हम सीधा, तो बुक हमें वहीं मिलेगी। देखो यार गाइस, गर्मी इतनी पड़ रही है कि हमको ना हेलमेट पहन के घूमना पड़ रहा है, लू चल रही है, मतलब बराबर गर्म लू चल रही है। गाड़ी हम यहाँ खड़ी करके गए, गाड़ी की बाट लग चुकी है इसके नीचे खड़ी करने की वजह से, एक दिन अभी काटे हैं यार मुझे लग रहा है, पहले नहीं थे ये। बस गाड़ी उठाते अभी यहाँ से चलते। तो वैसे अभी 3:30 बजे जस्ट सभी रूम पे आए हैं एंड इतनी ज़्यादा धूप थी ना, मेरा तो ब्लॉग करने का बिल्कुल मन नहीं था,
एंड लू चल रही थी बहुत तेज़ वाली। अभी यहाँ पर आए मैंगो जूस लेके आए, तो मैंगो जूस इन्जॉय कर क्या है, क्योंकि अपने मोहन जी की डाड़ में दर्द हो रहा है। मोहन जी हंस रहे हैं, मजा आया ना भाई? मजा आया भाई, के लिए लेके आए थे हम, लेकिन हमने पी लिया पूरा, और इधर वो बचा हुआ है अभी तो और लिया जा रहा भाई साहब, मजा आया। लास्ट में जितने बादाम बचे सब ले लो, ये है मरीजों को ज़्यादा खिलाया जाता है, मरीजों को तो ज़्यादा देते हैं सारे बादाम भाई साहब, इसके यहीं आया है। देखो इतने सो इस फ्लिपकार्ट से हमने 10 रुपये की सेल चल रही थी, उसके अंदर मंगवाया था ये, जिसे अनबॉक्सिंग करते हैं इसके अंदर। सो इस प्रोडक्ट मात्र 10 रुपये की सेल के अंदर आया हुआ है, एंड अभी देखते हैं इसके अंदर क्या है, अनबॉक्सिंग इसकी करते हैं। इससे पहले थोड़े से शॉर्ट्स लेते हैं। ट्यूशन के बच्चे भी आ चुके हैं, तो ट्यूशन के बच्चे आ चुके हैं, रंजीत सर का ट्यूशन पढ़ाया जाएगा। हमारे यहाँ पर चमगादड़ का बच्चा देख सकते हो भाई, चीटियाँ खा रहे अच्छा चमगादड़ देख लेंगे, उत्साहित हो चुके हैं। वो चमगादड़ उठाया जा रहा है, ये उठ गया, चमगादड़ ही है, जोरदार उड़ रहा है, तो उड़ेगा तो बच्चा भगी गया, कैसे उड़ रहा है। सभी प्रोडक्ट अपने पास है, बच्चा आ चुका है ट्यूशन के, तो इसको छत पे ले जाते हैं, अनबॉक्सिंग करते हैं इसकी, चलो चलते हैं। सो गाइस हमारे पास आ चुका है 10 रुपये की सेल में, हमने ऑर्डर करा था। सो हमने दो चीज़ें बेसिकली ऑर्डर करी थी, एक तो माउस और एक ये रंजीत ने करा था। तो मेरा वाला ऑर्डर आया था जब मैं यहाँ पे था नहीं, तो उसकी अनबॉक्सिंग रंजीत ने कर ली थी, तो वो था जेब्रोनिक्स का माउस और ये कुछ वॉलपेपर टाइप में कुछ, हमने इसको ऑर्डर किया फ्लिपकार्ट से। इसकी अनबॉक्सिंग हम कर रहे हैं क्योंकि आप हम यहाँ पे, एंड रंजीत अभी ट्यूशन पढ़ा रहा है, तो मिस यू रंजीत, तेरे बिना हम इसको अनबॉक्स कर रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही है। 10 रुपये में ऑर्डर किया था हमने, टोटल इसकी डिलीवरी चार्ज सब मिला के हो गया 47 रुपये का टोटल प्रोडक्ट है, एंड उसके हिसाब से लग रहा है 47 रुपये से ज़्यादा ही आया है इसके अंदर। उसको खोलते देखते हैं क्या कुछ आ रहा है। फ्लिपकार्ट की 10 रुपये की सेल थी, उसके अंदर हमने इसको ऑर्डर किया था, एंड उसके हिसाब से अभी आया है, तो इसको खोलते हैं एंड देखते हैं इसके अंदर क्या है। अनबॉक्सिंग वीडियो जाए 3, 2, 1 स्टार्ट। तो ऐसे वाला मैं पेपर पहली बार ही खोल रहा हूँ, हंसी का खुला अच्छी तरीके से नीचे जैसे फाड़ इनको ये निकाल लेते हैं। तो ये अपना कुछ प्रोडक्ट, सो उस प्रकार का प्रोडक्ट है, और इस अंदर से पूरी पैकिंग है, बहुत अच्छे से उनको चिपका रखा है इसको। ये ले रेड कलर के अंदर आया गाइस ये, एंड ये है वॉल पेपर, तो पूरा पेपर उड़ जाएगा, यूज़र मैनुअल दिया हुआ है, तो घर बार की तरफ कोई नहीं पड़ता था, बिल्कुल फेंक देते। एंड अभी भी पूरी पैकेजिंग में कह रहा हूँ भाई साहब, पैकेजिंग भी 100 रुपये लग गया उनसे, तैयार है आप देख सकते हो, तो काफ़ी प्रीमियम लग रहा है गाइस। मैं तो लेटा के इसको दिखाता हूँ, मतलब काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, एंड अभी देखते हैं इसका कहाँ यूज़ करते हम, एंड ये पूरी मतलब एक साइड की दीवार तो नीचे से घिर लेगा, तो अभी इसके बाद हम कमेंट लेते हैं। तो भाई फाइनली हमारा अभी कहीं निकलने का प्लान है, सुबह निकलते हैं, धूप तो काफ़ी तेज़ हो रही, लू भी चल रही है, लेकिन सरादना चल के मिलते हैं आपको भी सरादना। लू से बचने का फुल ऑफ प्लान कर लिया हमने, पूरा बांध लिया हमने अपना। तो भाई लू से बचने का पूरा जब्त हो गया, अभी अपन चलते सीधे सरादना, और सरादना चल के मिलते हैं आपसे। तो जैसे कि आप देख सकते हो ये वही गली है, यहाँ से मैं जब कॉलेज निकलता था तो मैं शूट करता था, फिर कहीं हम कॉलेज जा रहे हैं, और अभी अपन कॉलेज नहीं जा रहे हैं, कॉलेज अपनी खत्म होने वाली है, पर कॉलेज की फिर भी 3-4 ब्लॉक तो मैं कर ही दूंगा, अभी सराहना चल के फिर। अभी हमने प्लान किया है यहाँ से तरबूजे लेंगे हम, तो सबसे पहले हम तरबूजे ले लेते हैं यहाँ से। सो गाइस यार हम आ चुके फाइनली सरादना, एंड सरादना में हमारे रेलवे स्टेशन, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको ये स्टेशन का एरिया, तो यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ एक दो रील्स बना ही लेते हैं, ना आए मैं इधर ही तो। रील्स वील्स हमारी कंप्लीट हो चुकी है, हम निकल रहे हैं। सो गाइस इस वीडियो को समाप्त करते हैं, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया, पसंद आया लाइक करो, चैनल पर सब्सक्राइब करो, जिंदगी थोड़ी बिजी चल रही है, तो गाइस ऐसा ही चल रहा है अभी, एंड मिलता हूं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, बहुत जल्दी एग्जाम फ्री करके फटाफट से मिलता हूं आपको, तब तक अपना ध्यान रखिए, बाय, लव यू। टेस्ट कैसा भाई? मैंने कपड़े में मैंने तो
बॉडी है तेरी भाई, चलता है चलता है। टेस्ट कैसा है ये तो बता भाई। फिर बनाना, बचा ही नहीं है कुछ।